जी खाक खाक माने राख साधु संत महात्माए खाक रमाते हैं ना शरीर में भस्म रमाते हैं ना खाक कहो भस्म कहो राख कहो देह में भस्म रमाने का अर्थ क्या हुआ साधु संत होते हैं वो देह में भस्म रमाते हैं उसका क्या अर्थ हुआ देह अभिमान को भस्म कर देने वाली बात है भक्ति मार्ग में भस्म रमाए लेते हैं और है बेहद की बात और है हाँ अन्य
अन माने नहीं है, अन्य माने और नहीं है ऐसे जैसे वो है। तो अनन्य हो गए, आठ भी अनन्य हो गए, दुनिया के मुकाबले 108 भी अनन्य हो गए, उन जैसे और कोई नहीं है। और कमरे में द्वापर के अंदर त्रेता के अंत में जो बीज रूप आते हैं, रावण के बीज रूप है ना, है वो तो प्रत्यक्ष होता है। तो भक्ति में तो सत्युग में तो हिरण्यकश्यप प्रत्यक्ष हुआ है, है तो वो शूटिंग के हिसाब से वो कौन है वो? तो शूटिंग पीरियड में फाउंडेशन पड़ जाता है। हिरण्य माने सोना, काश्य माने तेज, पा माने पीने वाले, जो सोने जैसी सच्ची सच्ची आत्माएं हैं उनके तेज को पीने वाले हैं, वो विजयमाला के मणके अभी भी वहां पल रहे हैं। कहां? हाँ जी, कृष्ण का जन्म 2018 को होता है बोला है। हाँ जी, और 1998 में कृष्ण का प्रत्यक्ष भी जन्म भी हुआ है बोला है। हाँ जी, हाँ जी, ये कौन सा किसका जन्म है? वह संगम कृष्ण का जन्म है 2818 को, ठीक है, या दादा लेखराज ब्रह्मा का जन्म है? एक है दादा जन्म, एक है, एक है वो कृष्ण जो सत्युग में जाकर के नारायण बनता है, और एक है वो कृष्ण जिसके साथ संगम युग में कंस दिखाया गया है, वो कहाँ नारायण बनता है जाकर? वो नारायण कहाँ बनता है? संगम युग में नारायण बनता है। तो गीता का भगवान कौन सा कृष्ण हुआ? संगम युगी कृष्ण ही गीता का भगवान हुआ। सन 98 में जो प्रत्यक्षता दिखाई गई है वो गर्भ महल की है। जन्म हुआ तो कहाँ दिखाते हैं? जेल में तो दिखाते हैं, लेकिन कहते हैं पीपल के पत्ते पर आराम से आत्मिक स्थिति का अंगूठा चूसते हुए आया, विषय सागर में नैया पड़ी हुई है। ये 98 के बाद वो नैया निकल गई विषय सागर से बाहर, हैं? कहाँ पड़ी हुई है? विषय सागर में पड़ी हुई है, लेकिन नैया डोलेगी डूबेगी नहीं, वो नैया आधार है कृष्ण बच्चे की प्रत्यक्षता का। वो आधार भला हिलता डुलता दिखाई पड़ता है, परंतु डूबने वाला नहीं है। है वो पत्ते के ऊपर है संगम का कृष्ण तो हाँ हाँ तो संगम युग में भी, संगम युग में भी कृष्ण के रूप में पार्ट बजाने वाली दो आत्माएं हो गई ना। वो तो है। एक तो जिसने शरीर से कृष्ण का पार्ट बजाया, कैसा पार्ट बजाया?
सर्वगुण संपन्न तुला कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, ये सत्युग में बनेगा या संगम में बनेगा? संगम में बनेगा। और एक कृष्ण वो जो शरीर तो छूट गया परंतु शरीर रहते रहते सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम बना नहीं, लेकिन फिर भी भक्तों की बुद्धि में क्या बैठता है कि वो ही कृष्ण गीता का साकार में भगवान है? नहीं आया समझ में? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसा तबका है ब्राह्मणों का जो दादा लेखराज के साकार स्वरूप को ही गीता का भगवान साकार में मानता है? अरे मानता है तो गलत बात हो गई। लेकिन वो दादा लेखराज ब्रह्मा का है स्थूल में, ये स्थूल में कब जन्म होता है? स्थूल में जन्म होगा तो स्थूल सत्युग होगा। स्थूल सत्युग बोला है ये 111 जो 111 है वो सत्युग की बात है, वहाँ हिस्ट्री चलेगी संबत 111 की या संगम युग में हिस्ट्री चलेगी? संबत 111 पहली तारीख पहला महीना और पहला वर्ष वो हिस्ट्री संगम की है, जिस संगम की हिस्ट्री क्रिश्चियन लोग लॉर्ड कृष्ण के रूप में मानेंगे, अपने शास्त्रों को सच्चा कहेंगे कि हमारे शास्त्र में भारत में जिस लॉर्ड कृष्ण की बात कही गई है वो ये है। लेकिन स्थूल में उसका जन्म कब होता है? अरे स्थूल कृष्ण का जन्म स्थूल सत्युग में होगा या संगम में होगा? एक होता है सूक्ष्म में प्रत्यक्षता रूपी जन्म, बच्चा जब जन्म लेता है तो पहले गर्भ में गुप्त होता है, पता ही नहीं बच्चा होगा बच्ची होगी, जब प्रत्यक्ष होता है तो सबको पता चलता है, पहले घर वालों को प्रत्यक्षता का पता चलता है, मोहल्ले वालों को पता चलता है, गांव वालों को पता चलता है, जनपद वालों को पता चलता है, धीरे धीरे सबको पता चलता है। ऐसे ही संगमयुगी कृष्ण की भी प्रत्यक्षता होगी, जिसके लिए बोला है बाप बच्चे के बगैर प्रत्यक्ष नहीं हो सकते। किसके द्वारा प्रत्यक्ष होंगे? बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होंगे। रूहानी बाप कौन है? अरे रूहानी बाप शिव है, और उसका बड़ा बच्चा कौन है? हैं? हाँ गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। तो जब तक बच्चे की प्रत्यक्षता न हो तब तक बाप ज्योति बिंदु अपन को कैसे प्रत्यक्ष कर देगा? और ये जो राम बाप है वो अपने बच्चे का बाप बनेगा क्या? वो अपने बच्चे का बाप बनेगा तो उसका विरुद्ध क्या है? पहले बाप को प्रत्यक्ष करेगा फिर बाप, पहले बाप बच्चे को प्रत्यक्ष करेगा फिर अपन को प्रत्यक्ष करेगा। इसलिए भक्ति मार्ग में लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर बनाया जाता है उसमें दो प्रकार के लक्ष्मी नारायण के मंदिर दिखाए जाते हैं, एक विष्णु का मंदिर नर नारायण का मंदिर कहा जाता है और एक लक्ष्मी नारायण का मंदिर। और 2018 2036 उसमें कोई यह नहीं होता है, क्या स्टैग्नेशन इधर बोला है ये कैसे क्या नहीं होता? कुछ परिवर्तन
वो परिवर्तन होता है वो पीरियड में उत्तरती कला नहीं होता है। 82 में उत्तरती कला नहीं होती है। 2018 से 2036 जब आत्मा एक बार अपनी आत्मिक स्टेज पकड़ लेंगी, आत्मनिष्ठ हो जाएंगी, तो लगातार उनकी चढ़ती कला होगी या गिरती कला होगी? लगातार चढ़ती कला होगी। और सीढ़ी में बोला है 1836 तक सीरियम होता है। सीरियम कैसे होगा? नहीं वो चढ़ती भी नहीं है, उतरती भी नहीं, ऐसे कौन सी कैसे तुम बोला? ऐसे तो हो ही नहीं सकता। जिन आत्माओं ने अवस्थाएं स्पीड पकड़ ली, जैसे रॉकेट होता है छोड़ दिया जाता है तो नीचे की ताकत लगा के उसको स्पेस से बाहर निकालते हैं, और जब स्पेस से बाहर निकल जाता है तो पृथ्वी के आकर्षण से परे हो जाता है। ऐसे ही उन आत्माओं को 5 तत्वों का आकर्षण खींच नहीं सकेगा। अभी तो खूब याद में रह लो, किटकिटी मान बांध के बैठ जाओ याद में, फिर भी 5 तत्वों का आकर्षण खींच लेता है। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। अर्पण में सदा पावरफुल दर्पण बनता है। जितना तन अर्पण करेंगे ईश्वरीय सेवा में, जितना मन के संकल्प ईश्वरीय सेवा में अर्पण करेंगे, अर्थात मनन चिंतन मंथन करेंगे आत्मा का, परमात्मा बाप का, शशि के आदि मध्य अंत का, अपने पार्ट का, ये मन के संकल्पों को स्वाहा करने की बात है। दुनिया में ये संकल्प न जाने पाए, देह और देह के संबंधियों में, देह के पदार्थों में, परमार्थ में जाए तो जितना मन को स्वाहा करेंगे, जितना तन को स्वाहा करेंगे, और जितना इस तन और मन की ताकत से कमाए हुए धन को स्वाहा करेंगे काय में, ईश्वरीय सेवा में, उतना मन बुद्धि रूपी दर्पण पावरफुल बनेगा। निराकारी स्टेज में टिकेगा, मनन चिंतन मंथन की स्टेज में टिकेगा, विश्व कल्याण के कार्य में टिकेगा। ज्यादा सेवा करेंगे तो ज्यादा खुशी का मेवा मिलेगा। बाप ऐसे सर्वसेवक बच्चों को खुद याद करते हैं। दुनिया बाप को याद करती है और बाप ऐसे तन मन धन स्वाहा करने वाले सर्वसेवल बच्चों को याद करते हैं, तो ज्यादा ताकत किसको मिलेगी? जिन बच्चों को बाप याद करता है वो तीसरे नेत्र से याद करेगा या है ना स्थूल आंखों से याद करता है? तीसरे नेत्र से याद करता है, तो बहुत पावर मिल जाती है। और ये तो भक्ति मार्ग में मान्यता है कि जब ग्रहण पड़ता है तो ग्रहण के समय रखा हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए,
क्या वो दूषित अन्न हो जाता है, भोजन दूषित हो जाता है। साइंस में ऐसी मान्यता नहीं है। हैं? वो भक्ति मार्ग में जो मान्यता है वो कहाँ की मान्यता है? संगम युग में मान्यता है। संगम युग में जो मान्यता है उसमें ज्ञान सूर्य या ज्ञान चंद्रमा के ऊपर विकारों का ग्रहण लगता है क्या? नहीं लगता। सूर्य के ऊपर विकारों का ग्रहण नहीं लगता है और चंद्रमा के ऊपर विकारों का ग्रहण लगता है। उसमें राम और कृष्ण की दोनों ही आत्माएं आ जाती है या एक आत्मा ग्रहण में आती है एक में नहीं आती है? हैं? एक आत्मा ग्रहण में आती है, कृष्ण की आत्मा। राम वाली आत्मा को विकारों का ग्रहण नहीं लगता? अच्छा, अगर नहीं लगता है तो मस्तक के ऊपर चढ़ा बैठा अधूरा चंद्रमा क्यों दिखाया जाता है? इसका मतलब वो सर पर सवार है या भूत की नहीं? वो देह अभिमान का भूत सर पर सवार है या नहीं है? सवार होता है, हैं? और जब पहला ही जो पहले नंबर है आठ में उसके ऊपर भी वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा हावी हो सकता है, बोलते बोलते बीच में इंटरफियर कर सकता है, बात को भी बदल सकता है, तो बाकी सात किस लिस्ट में है? इसलिए कहा जाता है रामचंद्र और कृष्णचंद्र। चंद्रमा का टाइटल राम के ऊपर भी लगाते हैं और चंद्र के ऊपर भी लगाते हैं, लेकिन राम वाली आत्मा संपन्न बनती है या कृष्ण वाली आत्मा संपन्न बनती है? राम वाली आत्मा संपन्न बनती है, इसलिए राम को सूर्यवंशी कहा जाता है, कृष्ण को सूर्यवंशी नहीं कहते। सारा ही यादव संप्रदाय, इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन, ये सब उसे कृष्ण की गोद में पलते हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ये विकारों के ग्रहण की बात है। ये ग्रहण जब लगा हुआ होता है उस समय वो बेहद के अन्न का भोग नहीं कर लगाना चाहिए। क्या वो बेहद का देह भान भोगना नहीं चाहिए? याद को कहा जाता है अन्न और पेय को कहा जाता है ज्ञान। माना शंकर को फॉलो नहीं करना है कर्मों में, भोग लगाते हैं भगवान को, भोग लगाते हैं तो मंदिर में पर्दा डालते हैं कि नहीं? तो पर्दा लगाने की क्या जरूरत है? क्या हो जाएगा? और ही हमारी दृष्टि पवित्र बन जाएगी?
इसलिए मुरली में बोला है शंकर को फॉलो नहीं करना है। अगर वो बात भी स्मृति में आई और उसका बुद्धि से भोग किया, मन बुद्धि से चिंतन किया, तो भी दोष लग जा देगा। भक्ति मार्ग में कहते हैं गुरु जो करता है वो नहीं करना है, गुरु जो डायरेक्शन देता है उसको फॉलो करना है। गणेश पूजा के लिए कास्ट बोलते है, उसे विशेष मानते हैं, कास्ट क्या है? कास्ट गणेश पूजा के लिए वो अकेले गणेश की बात नहीं है, जो भी पूजाएं होती हैं भक्ति मार्ग में उसमें कुशा घास की अंगूठी बना करके पहनाते हैं, हैं? हाँ जी हाँ जी, तो कुशा घास कोई दूसरी नहीं है, शास्त्र में उसका नाम आया है लव और कुश, वो कुश ही कुशा घास है। अश्वमेध यज्ञ रचते हैं तो पूरे विश्व में सारे विश्व को सहयोगी बनना पड़े या एक आत्मा सहयोगी न बने विरोधी बनी रहे तो यज्ञ पूरा समझा जाएगा, सारा विश्व सहयोगी बने। तुम्हारी का है? तुम्हारी का? हाँ कुमार का दादी शरीर छोड़ा है, इसका पक्का प्रूफ क्या है? बताया बीके वाले ने जो बताया है वो किस प्रूफ के आधार पर बताया है? हाँ समा, ये सुनी सुनाई बात हुई या कोई पक्का प्रूफ मिला? पक्का प्रूफ के बिना सेंटर में कैसे पहुँचाएगा? कौन से सेंटर में? वो पीके का सेंटर में। हाँ मेरी बहन जाती है वहाँ। हाँ वो बताइए, कोई कहता है कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया, कोई कहते हैं उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा अभी भी कामा में है। शुरू शुरुआत में जब वो बीमार पड़ी थी, अहमदाबाद के हॉस्पिटल में दाखिल हुई थी और कई दिन तक कामा में रही, तो भी इस बात को अंदर वालों ने ये समझ लिया ये गई कि गई, अब नहीं बचने वाली है। तो जो बड़े बड़े महारथी थे वो हॉस्पिटल में ही उनको छोड़ करके आ गए। और बाद में वो कामा में से बाहर आ गई, उसके बाद दो तीन हॉस्पिटल्स में चक्कर लगाए, कामा में भी गई और मौत से जूझ करके फिर वापस आ गई। तो मतलब पावरफुल आत्मा है कमजोर आत्मा है? ए? और बाबा ये कैसे क्यों बोल रहा है? शिव बाबा को याद करना है, उसने ही बोला है इससे लक्ष्मी नारायण को याद करना फिर भी अच्छा है, है? ये थोड़ी कि शिव बाबा को याद करने से ज्यादा अच्छा है लक्ष्मी नारायण को याद करना। वो माना नारायण को याद करना, नारायण को याद करना ये सहज याद है, सबसे अच्छी और सहज याद है नारायण को याद करना। लेकिन नारायण को पहचानेंगे तभी तो याद करेंगे ना। वो तो ठीक है बाबा, है नारायण, वो हमारा लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण बनना है, है?
वो ठीक है, लेकिन वो नारायण सर्वगुण संपन्न सोलह कल संपूर्ण संपूर्ण तक मर्यादा पुरुषोत्तम होता है, है? लेकिन शिव बाबा है इससे ही बड़ा स्टेज है ना बाबा, है उसका भी ऊंचा स्टेज है ना शिव बाबा। शिव बाबा जिसको ऊंची स्टेज कहा जाता है वो बच्चों को संपन्न स्टेज बना करके चला जाता है या रह जाता है? वो चला जाता है। चला जाता है, जब चला जाएगा तब किसको याद करेंगे? और ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य क्या है? नारायण जैसा बनना। डॉक्टर बनाने के लिए क्या चाहिए? डॉक्टर चाहिए। इंजीनियर बनाने के लिए इंजीनियर चाहिए। इस आधार पर कहा कि अगर पक्का निश्चय हो गया है कि नेक्स्ट टू गॉड इज कौन है, प्रजापिता, प्रजापिता कहो, नेक्स्ट टू गॉड लक्ष्मी नारायण कहो, नेक्स्ट टू गॉड कृष्ण कहो, नेक्स्ट टू गॉड शंकर कहो, बात तो एक ही हो गई। इसी तरह से बाबा शिव बाबा का छोरा भी वही है, है? शिव बाबा का छोरा भी वही है। छोरा हाँ, चोले को याद करने के लिए थोड़े ही बोला। वो ठीक है, हाँ। ये इसमें नारायण बनने वाला वो चोला भी वही है। चोला है, लेकिन चोले में जो आत्मा बैठी हुई है वो संपन्न है अभी। शिव बाबा की आत्मा अलग और शंकर की आत्मा अलग। हाँ जी, शिव बाबा हमारा लक्ष्य नहीं है बनना, हमारा लक्ष्य क्या है? नारायण बनने का हमारा लक्ष्य है। अगर शिव बाबा बनने का लक्ष्य रखेंगे तो 5000 साल ऊपर ही पड़ा रहना पड़ेगा, 500 करोड़ आत्माओं में हमारा लास्ट नंबर आ जाएगा। हरेक को देना है, ये कोई जरूरी नहीं है। अनपढ़ पढ़ नहीं सकते क्या? लिखा पढ़ा नहीं, आदमी लिखाई पढ़ाई करता है, आदमी सारे काम करता है, आदमी को 70 की ट्रेनिंग दी जाती है, आदमी क्या नहीं करता है? जो करना ही नहीं चाहे तो कोई क्या करेगा? क्या बूढ़े लोग पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं? हैं? प्रौढ़ शिक्षा नहीं चलती है क्या? चलती है, चाहे तो पढ़ सके। हिंदी तो सबसे ज्यादा सहज है, और एडवांस में चलने वाले तो लगभग सभी थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलने लग पड़े। 2 महीने भी लगातार प्रैक्टिस करें तो अपना नाम लिखना और टूटी फूटी हिंदी लिखना चल सकता है, और बहुतों ने सीख भी लिए। ऐसे नहीं कि बूढ़े बाड़े हैं नहीं सीख सकते, जो बूढ़े बाड़े हैं उन्होंने भी 1 साल के अंदर सीख लिया, बोलना सीख लिया। बहुत से तो भाषण भी देने लग पड़े हिंदी में। ऐसा बहानेबाजियां हैं कि जब तक लिख करके नहीं देंगे तो आधा माफ नहीं होगा। हम तो लिखना पड़ रहे हैं, हम तो इसलिए लिख के देने की बात ही खत्म। चलो हिंदी नहीं जानते, दूसरी भाषा तो जानते हैं, दूसरी भाषा में लिख के दे दो। और बाबा इस्लाम क्रिश्चियन धर्म की जो बीज है, हैं? इस्लाम क्रिश्चियन धर्म की जो बीज है, हाँ, वो 70 में एडवांस शुरू में आता है। हाँ जी, हाँ जी। तो जो सिख धर्म है वो तो अभी अभी 500 साल हुआ शुरू होकर, हाँ? सिख धर्म, हाँ, आरंभ होकर के 500-600 साल हुआ। हाँ जी।
लास्ट में कैसे आता है? बाबा ने तो कहा है प्रवृत्ति मार्ग का सहयोगी धर्म विधर्मियों में से पहला नंबर किसका है? सिख धर्म। इसका मतलब एडवांस जब शुरू हुआ होगा तो सबसे पहले सिख धर्म की आत्मा क्या एडवांस का फाउंडेशन पड़ा होगा। तो लास्ट वो दिखाई पड़ता है लास्ट में आना। संपन्न स्टेज में जब वो सेवा के फील्ड में आते हैं तो लास्ट में आते हैं। फिर भक्ति मार्ग में लोग सिख लोगों को चढ़ाते हैं, अभी 12 नहीं बजे हैं, माना अभी सूरज ऊपर एकदम तीखा नहीं चमका है। जब तीखा चमकेगा तो तुम्हारी आंख खुल जाएगी। सिख धर्म जो है वो भारतीय धर्म है या विदेशी धर्म है? है तो विधर्मी लेकिन भारतीय धर्म है। और भारतीय धर्मों में विदेशियों में और विधर्मियों में पहला कौन है? नहीं, बौद्ध। ये बौद्ध भी पहले गृहस्थी थे, शुरुआत से ही संन्यास धर्म नहीं था बौद्धियों में। जब ये इकट्ठे रहने लगे स्तूप बनाकर, तब इनमें व्यभिचार फैला। और वो व्यभिचार जब का भंडाफोड़ जब हुआ तो इनको वैराग आने लगा और संन्यास धर्म शुरू हो गया। इसलिए मुरली में एक जगह बोला है सन्यासी क्रिश्चियन से कुछ पहले आते हैं। वास्तव में क्राइस्ट 2000 साल पहले आया और शंकराचार्य 1200-1400 साल पहले आए। क्राइस्ट से पहले कैसे? तो सन्यास धर्म का बीज भी और सिख धर्म का भी बीज कहाँ समाया हुआ है? बौद्ध धर्म में समाया हुआ है। और कोई भाषा में लिखो, कोई भी भाषा में लिखो, लिख करके देने से आधा माफ होगा। और मुख से बोल दिया तो आधा पूरा माफ नहीं, आधा नहीं माफ होगा। मुख से बोले का कोई प्रूफ नहीं। आज कहेंगे कि हमने पोता मेल दे दिया, कहें हमने कब बोला था? और बाबा आज का मुरली में आया है, काशी नगरी में है, ये मिलता है टाइटल मिलते हैं, टाइटल मिलते हैं। हाँ जी, वो है माउंट आबू नहीं बोला है। वो माउंट आबू भी नहीं है और वो आज की भक्ति मार्ग की दुनिया की वो काशी नगरी भी नहीं है। काशी नगरी का दूसरा नाम क्या है? बनारस। उसका ऑब्जेक्ट वाणी में क्लेरिफिकेशन दिया है बनारस का, क्या जहाँ ज्ञान का बना बनाया रस मिलता है तो ज्ञान का बना बनाया रस से कौन से मिनी मधुबन से शुरू होता है? तो वो हो गया वाराणसी, काशी नगरी। हाँ, तो 92-93 में राजा का प्रतिष्ठित होना चाहिए उसका। 92-93 राजा का प्रत्यक्ष होना चाहिए। हाँ, माना अपनी जगह पे जहाँ कहीं भी होगी उसकी बुद्धि में एडवांस नॉलेज थोड़ी बैठी होगी। निश्चय बैठा होगा कि मेरा राधा का पार्ट है,
संगम युगी कृष्ण का पार्ट किसी और का है? है? निश्चय हो गया तो अभी तक क्यों नहीं है? निश्चय नहीं हो गया, निश्चय होना बात अलग होती है और संदेश मिलना बात अलग होती है। और है प्रत्यक्षता रूपी जन्म माना निश्चय बुद्धि। जो कन्या माता उनका आदर देते उनका ग्रुप भी अलग होता है ना, राम का ग्रुप, राम सूर्यवंशियों का ग्रुप अलग और कृष्ण अर्थात चंद्रवंशियों का ग्रुप अलग होता है। तो वो ग्रुप को फॉलो करने वाले जो आत्माएं होते हैं है? वो भी कन्या माताओं का आदर देते हैं? कोई जरूरी नहीं। राम के भक्त रहीम के बंधे हैं ये सब आंखों के अंधे। राम और कृष्ण की आत्माएं फिर भी शिव को पहचानती हैं, लेकिन उनके जो फॉलोअर्स हो होते हैं वो किस में फंस जाते हैं? राम और कृष्ण में फंस जाते हैं। तो अंतर पड़ेगा ना। जो भी इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक या गुरुओं के फॉलोअर्स हुए उन्होंने गुरुडम चलाया या गुरु ने गुरुडम चलाया? गुरुडम कौन सा कौन चलाते हैं? फॉलोअर्स चलाते हैं। और गुरु के पीछे पीछे भागना, मनुष्य गुरुओं के पीछे भागना। और किसी बाबा कहते हैं ना वो कन्या माताओं का आगे रखना है, उनका आदर देना। तो गलत बात क्या है? कन्या माताओं को आगे रखने से फायदा है या नुकसान है? बस दुर्योधन दुशासन को आगे रख दो, सफल हो जाएंगे है? तो इसमें रोना किस बात का? जो असुर होते हैं जानवरियत के अवतार होते हैं वो जानवरी के अवतार क्यों दिखाए गए? हाँ वो जल का आधार लेते हैं, माने ज्ञान जल को ही सब कुछ मान लेते हैं। ज्ञान तो एक साधन है न कि साध्य है, साधन है। ज्ञान को तुमने सर्वोपरि माना, ज्ञान को महत्ता दे दी और ज्ञानी बन गए, कन्याओं माताओं का तिरस्कार कर दिया। लेकिन ज्ञानी असली वो है जो ज्ञान का तंत्र पवित्रता को धारण करे, या ज्ञानी असली वो है जो ज्ञान का तंत्र पवित्रता को धारण ही न कर सके रावण बन जाए? एक है रावण का ज्ञान, ज्ञान तो बहुत सुनाता है, शास्त्र वेद है उसके हाथों में दिखाए जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में धारणा नहीं होती। तो ज्ञान सुनाने का अधिकार किसे दिया है? कन्याओं माताओं को दिया है। और रामायण महाभारत का नाटक करेंगे? सत्युग त्रेता में कहाँ करेंगे नाटक, याद ही नहीं रहता। नाटक करेंगे वो, नाटकबाजी करेंगे, लेकिन वहाँ ये थोड़ा ही याद रहेगा कि राम कृष्ण ये क्या है चक्कर, ये शास्त्र नहीं बनते हैं वहाँ पर। रावण का जो याद है वो सुनती में रहना है, और रावण रावण कुछ नहीं याद रहता वहाँ, न राम याद रहता न कृष्ण याद रहता न रावण याद रहता। वो तो ऐसे ही काल्पनिक तौर पर जो सुख की छवियां हैं वो बुद्धि में आती हैं और खेल पाल करते रहते हैं, टाइम पास करते हैं। वहाँ कोई दुख का नाटक नहीं होगा। अगर राम रावण और ये सब आ जाए
तो दुख के नाटक भी शुरू हो जाएंगे वहां। पैसिमिस्टिक विचारधारा कुछ भी नहीं होगी, जो भी विचारधाराएं होंगी, जो भी नाटक होंगे, जो भी खेल खोलेंगे वो सब ऑप्टिमिस्टिक होंगे, सुखदाई होंगे। जैसे कोई नाटक होते हैं अंत में दुखदाई दिखा देते हैं, विदेशी नाटक ज्यादातर ऐसे ही होते हैं। हाँ, ट्रेजरी आती है। और भारत के जो मोस्टली नाटक होते हैं वो अंत में, भले बीच में कितना भी संघर्ष आए, और अंत में सुखदाई दिखा देते हैं। है कन्या माताओं को आगे रखना, ज्ञान जल को हम सर्वोपरि मान दें और ज्ञान को ही महत्ता दें और ज्ञानी बन करके बैठ जाएं और दूसरों को भाई लोग ज्ञान सुनाना शुरू कर दें, खुद के अंदर अंदर प्रैक्टिकल पवित्रता की धारणा ना के बराबर, अंदर से समझते भी हैं फिर भी हठयोगी बन करके औरों को पढ़ाई पढ़ाते रहे तो उल्टा काम हो गया या सुल्टा काम हुआ? उल्टा काम हो गया। और तो सत्य त्रेता युग में जो रामायण महाभारत का जो असर ही नहीं रहता है, सिर्फ द्वापर के शुरू में जब व्यास की आत्मा वेद शास्त्र और महाभारत जैसे लिखते हैं, हाँ, वो कैसा उनको इमर्ज होता है? देवान के आधार पर नहीं, ज्ञान तो संगम युग का ज्ञान ही। संगम युग का, संगम युग में भी दो प्रकार के ज्ञानी तू आत्माएं होते हैं। एक होते हैं पुष्करणी ब्राह्मण, धक्का दे करके चलाए जाने वाले, और एक होते हैं सरस्वती पुत्र सारस्वत, जिनकी अपनी रमक रहती है ज्ञान में। तो कुखवंशावली और मुखवंशावली दो प्रकार के ब्राह्मण हो गए। जो मुखवंशावली है, यहाँ मुखवंशावली बनते हैं तो वहां भी द्वापर युग के, द्वापर युग से उनके मुख से वो ज्ञान की बात निकल पड़ती है, परंतु आत्मा का भान नहीं रहता, ये सबसे बड़ा रोला हो जाता है। इसलिए जो सच्चाई मुख से निकलती भी है द्वापर आदि में, शास्त्रों में जो सच्चाई थी वो भी थोड़े समय के बाद जो इंटरप्रिटेटर से निकलते हैं उसको झूठा बना देते हैं। वो आत्मिक वो मर्ज सच्चे त्रेता में मर्ज रहता है ना? हाँ, में क्यों मर्ज होता है? क्योंकि वहाँ आत्माभिमान मर्ज हो जाता है और देहाभिमान इमर्ज हो जाता है। अपनी ज्ञान सुनाने का जरूरत हो जाता है। हाँ जी, देहाभिमान जहाँ इमर्ज होता है वहाँ वाचा में ज्यादा आना शुरू हो जाता है, वाणी से परे की वो स्टेज खत्म हो जाती है। जो इशारे से बात होती थी वो वाचा से शुरुआत हो जाती है। शोरगुल वाली दुनिया शुरू हो जाती है। हाँ जी, जो सरेंडर होते हैं वो जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं। हाँ, अगर सरेंडर होने के बाद फिर विरोधी बन गए और ग्लानी करने लगे तो उनको दंड मिलना चाहिए, पुरस्कार मिलना चाहिए। सत्युग में तो जावेंगे लेकिन कम पद पावेंगे। दुख नहीं, नहीं नहीं, दुख नहीं होता है, वो यहाँ एक प्रकार की आदत पड़ जाती है। क्या? जैसे परिवार में छोटा बच्चा पैदा होता है छोटा भाई कहा जाता है, और बड़ा बच्चा पैदा होता है बड़ा भाई कहा जाता है, तो छोटा बच्चा भी अपनी उसी स्टेज पर रहता है और बड़ा बच्चा अपनी उसी स्टेज पर रहता है। तो ऐसे ही यहाँ संस्कार पक्के पड़ जाएंगे, अंदर अंदर आत्मा में ये बात पक्की हो जाएगी, हमने पाप कर्म किया,
सौ गुना बोझ हमने अपनी आत्मा के ऊपर चढ़ाया, हम वास्तव में इस योग्य नहीं है, हम तो इनकी सेवा करने योग्य हैं, पांव पूजने योग्य हैं। तो वो भाव पक्का हो जाता है, अंत मते तो गते हो जाती। हाँ धर्म और क्रिश्चियन धर्म की जो मुकाबला करने के लिए ज्ञान सुनाना चाहिए, नीति धर्म और धारणा ये अलग होता है ना। हाँ उसको मुकाबला करने के लिए शास्त्रों का ज्ञान शुरू होता है। द्वापर से जो ज्ञान शुरू होता है उस ज्ञान में सनातन धर्म की मान्यताएं फिर भी जास्ती होती है, और जो दूसरे धर्म के धर्म पिताएं आते हैं वो विरोध कर देते हैं, माने विचार बढ़ा देते हैं। ठीक है, हम पूछना चाहते हैं वो विधर्मियों का ज्ञान शुरू हुआ ना, वो आके धर्म स्थापन किया, उन लोगों को मुकाबला करने के लिए, उनके व्यभिचार का मुकाबला करने के लिए ये पहले ही शास्त्र रचा जाता है, शास्त्र वगैरह रखे जाते हैं, पहले ही रचा जाता है या उन लोगों से मुकाबला करने के बाद में रचा। पहले बनते हैं पहाड़ों की गुफाओं में भीत चित्र, अजंता एलोरा एलिफेंटा कनेरी आदि की गुफाओं में चित्रकारी होती है, और ये चित्रकारी सतयुग से ही चली आ रही है, वहाँ देह अभिमान आने के कारण उसका विस्तार हो जाता है द्वापर युग से। उन चित्रों के आधार पर चित्रकला भी एक प्रकार की भाव भंगिमा है, चित्रकार जो चित्रों में उकेरता है अपने भाव को वो भाव सच्चा साबित हो जाता है। तो उस समय जो भाव भंगिमा उन चित्रों में भरी वो ही भाव शास्त्रों में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। माना द्वापर के पहले 300-400 वर्षों तक सिर्फ गुफाओं में भीत चित्र बनते हैं, चित्रकला विस्तार को पाती है, शास्त्र नहीं लिखे जाते, बाद में उन चित्रों के आधार पर फिर शास्त्र लिखे जाते हैं। और कुछ काम नहीं करेंगे, अच्छा काम नहीं करेंगे, भक्ति मार्ग में राहु राहु कल रहते हैं ना, राहु 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 का राहु 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 के तो हाँ राहु अरे जब राहु का राज्य चलेगा, शनिचर देवता का राज्य चलेगा तो अच्छा काम करने देगा। आज की गवर्नमेंट अच्छा काम करने देती है, वो करने ही नहीं देंगे। अंदर से भगवान बाप को याद कर सकते हो, वो सब है तो रावण राज जी। अरे जो भी विधर्मियों की बीज रूप आत्माएं हैं उन बीज रूपों में ज्ञान सुनने के लिए एडवांस सुनने के लिए जो आधार मूर्त साकार सोलेधारी आत्माएं हैं वो आएंगी या नहीं आएंगी? आएंगी, नहीं तो संसार का विस्तार कैसे होगा? इसलिए दूसरे धर्म के लोग फरिश्तों को मानते हैं, देवताओं को नहीं मानते, और भारतवर्ष में देवताओं को मानते हैं, फरिश्तों को उतनी मान्यता, भूत प्रेतों को मान्यता नहीं देते हैं। और पार्वती तो द्वापर में थे, राजा बनते राजा जब बनते हैं उनका रानी का याद में जो जेल चढ़ेगा ना, पार्वती वाली आत्मा द्वापर युग से राजा बनती है, जब राजा बनेंगे
राजा क्यों बनेगी? हाँ राम बनेगी, लेकिन वहाँ तो राजा राम बनना और स्त्री बनना कोई अंतर ही नहीं है, वहाँ तो कोई कंट्रोलिंग पावर होती ही नहीं है, लेकिन द्वापर युग से जो राजाएं बनते हैं उनमें अंतर होता है। जो पुरुष बनता है ना, हाँ जी, जो अंत में जो देरी छोड़ेगा तो स्त्री का जो याद में देरी छोड़ेगा, हाँ, तो वो उस सागर पर तो शंभू को ही पति बना है ना, हाँ, उसे याद करेंगे ना, ठीक है, हाँ, तो वो कैसे लगातार शंभू का ही पति बनता है या तो मर ही रह जाएगा करके है ना मतलब, हाँ, तो उसका कैसा होता है? या तो कुमारी जीवन रहेगा, कुमारी जीवन रहे नहीं रहेगा तो कोई दूसरा संबंध रहेगा, लेकिन किसी दूसरी आत्मा को पति के रूप में वर्णन नहीं करेगा। ये भी तो एक प्योरिटी की बात है ना, आत्मा में संस्कार पड़े हुए होते हैं, कोई आत्मा में 84 जन्म के अंदर अनेकों के साथ पति बनाने के संस्कार हैं, वो यहाँ संगम युग में उसको अनुभव में आ देंगे। दृष्टि बट्टी ज्यादा है गंदी होगी या कम गंदी होगी? ज्यादा गंदी होगी, 63 जन्मों का हिसाब किताब भरा हुआ है, और कोई आत्मा को इस तरह का संकल्प आता ही नहीं, तो बनी बनाई बन रही है, अब कुछ बन नहीं ना है। होती है लागू, लेकिन जो विजय माला के मणके हैं वो जन्म जन्मांतर के अधीन रहने के स्वभाव संस्कार वाले हैं, रानी बन करके उन्हें रहना और सुख पाना ज्यादा अच्छा है, अच्छा लगता है, वो खून खराबा उन्हें पसंद द्वापर युग में पसंद ही नहीं होगा, अपने को जौहर करना पसंद है, लेकिन दूसरों को मार काट करके और दुख दे करके और कंट्रोलिंग पावर लेना उनको पसंद नहीं है, दीदी दादियों दादाओं के संरक्षण में रह करके उनको सुख शांतमय बना करके अपना जीवन चलाना उनको अच्छा लगता है, बाकी उनका अपोजिशन करके मारा मारी करके ज्ञान बाण चला चला के उनके दिल को दुख देना उनको पसंद नहीं है। हाँ? जब अति होती है तो अति का अंत हो जाता है। हाँ आगे रखना हाँ आगे रखना हाँ, तो जब वो आगे नहीं आगे नहीं जाना चाहते तो आगे नहीं जाना चाहते तो भी उनको आगे बढ़ाना आगे बढ़ने का इच्छा नहीं है तो भी हमारी भावना उनके लिए यही रहे कि ये आगे बढ़े, हम दिल में भावना रखे, हाँ, कि हम अंदर से तो ये जानते हैं कि हमारे अंदर अपवित्रता भरी हुई है इनके मुकाबले, इसलिए प्रैक्टिकल जीवन में ये हमसे ज्यादा ज्ञानी है। कई एक कन्या माताएं तो इसलिए उखड़ पड़ती हैं ज्ञान से कि वो पवित्र रहना चाहती हैं और ज्ञान में चलने वाला पुरुष उनको पवित्र नहीं रहने देना चाहता, ज्ञान में चलने का ढकोसला कर रहा है उन्हें देखने में आ रहा है, लेकिन अपवित्रता का पार्ट बजाता है तो उल्टे हो जाते हैं, ऐसा ढोंगबाजी है, ज्ञान ज्ञान कुछ नहीं, तो गलती किसकी हुई? और सब तरह की वैरायटी झाड़ है, कोई युगल ऐसे हैं जिनकी पत्नी ज्ञान में चलती है, पति ज्ञान में नहीं चलता है फिर भी पवित्रता का सहयोग देता है। और
चलो।